हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सक्सेस स्टोरी। लेट्स टॉक अबाउट सारा सत्तानी। आज के ब्लॉग में सारा सत्तानी ने दो तीन बातें हैं जो बहुत अच्छी बोली, जो मुझे सच में दिल से बहुत अच्छी लगी, और एक जो बात है वो मेरे दिल को बहुत टच की हुई है। और मैं सीरियसली कभी मैंने लाइफ को इस तरीके से नहीं सोचा था जिस तरीके से आज उन्होंने बोला है कि हम देखो ज़िंदगी में जिस भी मकाम में पहुँचना है आप पहुँच ही जाओगे। तो उन्होंने ये सब चीज़ें बहुत ही आज क्लियर तरीके से रखी और मुझे भी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा सीख मिली है कि मैं भी अपनी लाइफ का हर एक पल इंजॉय करूं। जिस मुकाम में मुझे पहुंचना है वहां पे तो मैं पहुंच ही जाऊंगी, लेकिन मायने ये करता है कि मैं किस तरह से वहां पे जा रही हूं। क्या मैं नर्वस होके, रो के, गिड़गिड़ा के, या फिर उदास होके, परेशान होके, इरिटेट होके उस मकाम पे जा रही हूँ या फिर बिंदास होके। तो सारा सत्तानी ने आज फिर से ज़िंदगी के कुछ गहरी बातें खोली है जो कि मुझे तो बहुत अच्छी लगी कि सच में ज़िंदगी मिली है इंजॉय करने के लिए मिली है, तो हमें उसको बिंदास तरीके से इंजॉय करके और जो भी पल हमें मिलता है उसको जी के बितानी चाहिए। जिस भी मुकाम पे हमें पहुंचना है हम पहुंच ही जाएंगे। हमें एक एक पल को एंजॉय करके जीना चाहिए। और यही बातों के साथ आज सारा सत्तानी ने अपने ब्लॉग में बहुत सारी चीज़ें शेयर की कि जैसे पहले औरतों को बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर समझा जाता था, लेकिन आज की औरतें ऐसी नहीं हैं। वो बहुत ही स्ट्रांग है, मज़बूत है, और बहुत ही ज़्यादा वो मतलब हर काम में करने में आगे है। जैसे कि आप सब लोग देखते हो कि सारा सत्तानी सच में बहुत ही बिंदास, बोल्ड और एक एक पल को इन्जॉय करने वाली लेडी है, तो हमें भी उनसे सीखना चाहिए। और मैं सच बोलूँ दिल से, आज मैंने सच में इस बात को कभी सोचा नहीं था जो आज उन्होंने बोली कि जिस भी मंजिल पे या जिस भी मकाम पे हमें पहुंचना है हम पहुंच जाएंगे, लेकिन मायने ये करता है कि हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हुए कैसे पलों को बिताते हैं। तो मैं भी इस बातों पे अमल करूंगी और अपने हर एक पल को एंजॉय करने की कोशिश करूंगी, नो मैटर कि क्या ज़िंदगी में होता है, अच्छा या बुरा है, लेकिन हम अपनी जो ज़िंदा दिली है उसको नहीं खोएंगे, एक एक पल को एंजॉय करेंगे। लोग हमारे बारे में क्या बोलते हैं उसके ऊपर ध्यान ना दे के हम अपनी लाइफ को कैसे बेहतर कर सकते हैं, ये आज सारा सत्तानी ने बहुत ही अच्छी से खूबसूरती से बातें की। और दूसरी एक जो चीज़ उन्होंने सच में बताई कि वो जो कि जो ये सोशल मीडिया की लाइफ है वो बहुत ही फेक है। यहाँ पे इज्जत भी फेक है और जो यहाँ की बदनामी भी फेक है। असल में इज्जत वही है जो आपके घर के अंदर और आपके समाज में जहाँ पे आप रहते हो वहाँ के लोग आपको किस तरीके से ट्रीट करते हैं या फिर वहाँ पे आपकी क्या इमेज बनी हुई है। और सच में हम हर दिन देखते भी है कि सारा सत्तानी किस तरीके से अपनी बच्चों के साथ और अपनी मतलब सोसाइटी के साथ वो एक एक मोमेंट को शेयर करते हैं, तो वहाँ से समझ आता है कि नहीं, समाज में और उनके घर में उनकी इज्जत है और वही में उनकी रियल इज्जत है। ये सोशल मीडिया तो आज है कल नहीं है, और लोग यहाँ पे आपको आपके नज़रिए से नहीं, खुद के नज़रिए से आपको जज करते हैं। तो अगर उनको उनका नज़रिया सही है तो वो आपको अच्छा बोलेंगे, अगर उनका नज़रिया आपके प्रति या फिर दुनिया के प्रति या फिर जीवन के प्रति अच्छा नहीं है तो आपको वो गलत ही बोलेंगे। मायने ये करता है कि आपकी फैमिली के अंदर आपका इज्जत है या नहीं है, या फिर आप जहाँ जिस सोसाइटी में, जिस समाज में आप रहते हैं वहाँ के लोग आपको किस तरीके से लेते हैं वो मैटर करता है। तो ये बहुत ही प्यारी बातों के साथ आज सारा सत्तानी ने कुछ दिल की बहुत करीब बातें की है, और ये सच में अगर आपको लाइफ में जीना है तो इन बातों पे ज़रूर अमल करें, जो वो बहुत ही ज़्यादा गहराइयों वाली और ज़िंदगी को उन्होंने काफ़ी नज़दीकी से देखा है इसलिए वो इतनी गहराइयों वाली बातें बोलती है, और बातें भी वही कर सकते हैं जिन्होंने ज़िंदगी को जिया है और जिन्होंने एक्सपीरियंसेस लिए हैं। बिना एक्सपीरियंस किए हुए हम कुछ भी बात नहीं कर सकते हैं, और अगर हम बिना एक्सपीरियंस के कुछ बात बोलते हैं तो वो फिर दूसरे के दिल तक नहीं पहुंचती है। तो यहाँ पे जो सारा सत्तारी ने अपनी ज़िंदगी के कुछ एक्सपीरियंस शेयर किए हैं तो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। अगर आपको भी लाइफ में कुछ भी कहीं पे भी जाना है तो आप उसको इंजॉय करें, आप एक एक पल को इंजॉय करें, एक एक घड़ी को इंजॉय करें, अपने बच्चों के साथ इंजॉय करें, अपने हस्बैंड के साथ इंजॉय करें, अपने सास ससुर के साथ इंजॉय करें, अपने माँ बाप के साथ इंजॉय करें, इवन अपने पड़ोसियों के साथ भी इंजॉय करें। आप अगर आप घर पे अकेले हो तो उस अकेलेपन में भी आप अपने आप को इंजॉय करें, अपनी फेलोशिप को इंजॉय करें, अपना जो मी टाइम है उसको इंजॉय करें। क्या ही खूबसूरत बात आज उन्होंने
उन्होंने बोली है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसके साथ ही मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ उनको कि वो इसी तरीके से जो मैं एक्चुअल में उनके ब्लॉग्स देखना पसंद करती हूँ, तो मैं इन्हीं चीज़ों के वजह से उनको देखना पसंद करती हूँ। उनकी मस्ती, उनकी अदाएँ, उनकी जो विंदासपन है, इसीलिए मुझे उनके ब्लॉग्स पसंद आते हैं। उनकी जो हंसी है और वो जो ठहाका मार के हंसते हैं, मुझे वो देखना बहुत पसंद है और इसीलिए मैं उनके ब्लॉग्स देखती हूँ। और आगे आने वाले दिनों में मैं उनके ब्लॉग्स से जो जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती है मैं उठा के आप लोगों तक शेयर करती रहूँगी। तो अभी नो नेगेटिव, ओनली पॉजिटिव बातें, ओके। अभी अगर उनसे कुछ सीखना है, उनके ब्लॉग्स देखना है, तो कुछ तो सीखना ही पड़ेगा उनसे कि जैसे वो हमेशा पॉजिटिव रहती है, इतनी नेगेटिविटी सोशल मीडिया पे होने के बावजूद भी वो उसका असर अपने ऊपर होने नहीं देती है। तो उन्हीं सब थोड़ी बहुत बातों के साथ हम भी नो नेगेटिविटी ओनली पॉजिटिविटी, कुछ भी हो जाए सोशल मीडिया पे, लेकिन हमें हमेशा, मैं तो अभी कोशिश करूँगी सबके बारे में पॉजिटिव ही बोलूँ। इसलिए आप भी कोशिश करना कि आप मेरी इस मतलब मेहनत में या फिर इस जो मैं कोशिश कर रही हूँ उसमें आप मेरा साथ दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।